देयर टाइम, यानी टाइम के साथ जितना वर्क डन होता है वो पावर कहलाता है. सो पावर वर्क डन जो है वो क्या है, वो हमारे पास फोर्स और उसके डिस्टेंस का, ये डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट होता है, साथ में उसके टाइम पे हमने इसको डिवाइड कर देना है. तो अब इसको जो डिस्टेंस वो कवर करता है, एस की वैल्यू हमारे पास 50 मीटर है, और जब वो फोर्स अप्लाई करता है उसको कितनी फोर्स अप्लाई करनी है, 300 न्यूटन की फोर्स अप्लाई करनी है, और टाइम जो उसको लग रहा है वो 60 सेकंड का टाइम है. जब हम इन वैल्यूज़ को डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास इस तरह हो जाएगा कि अगर मैं ज़ीरो और इस ज़ीरो को कैंसिल करूँगी तो 6 × 6 = 30, तो ऊपर मेरे पास वैल्यू जो आएगी वो 6 × 5 = 30, तो 5 × 50 ये इक्वल हो जाएगा 250 वॉट. यानी वो आदमी जब 300 न्यूटन की फोर्स अप्लाई करेगा उसको 60 सेकंड रिक्वायर्ड होंगे, और वो वहाँ पे 50 मीटर का डिस्टेंस कवर करेगा, तो उस आदमी की पावर जो है वो 250 वॉट होनी चाहिए, तभी वो ये इसी वैल्यूज़ के साथ ये इस ब्लॉक को ऊपर लेकर जा सकता है, उसको पुल कर सकता है. देन क्वेश्चन है हमारे पास नेक्स्ट, सेम ये भी पावर वाला फॉर्मूला ही इसमें हमने अप्लाई करना है. अ 50 किलोग्राम मैन मूव 25 स्टेप्स अप इन 20 सेकेंड. एक आदमी है जिसका मास 50 केजी है, वो 25 स्टेप्स ऊपर जाता है, और उन 25 स्टेप्स को सीढ़ियों पे वो जा रहा है, उसको कितना टाइम लगेगा, 20 सेकंड्स लगते हैं. अब हमने ये फाइंड आउट करना है कि हर एक जब वो 60 सेंटीमीटर तक हाइट कवर करेगा तो उसको कितनी पावर रिक्वायर होगी. मास हमारे पास इसका टोटल जो है वो 50 केजी है, हाइट जब वो जा रहा है 25 है, तो हर 25 है इस 25 को, क्योंकि इस 25 जो है वो सीढ़ियों की तादाद है कि कितने सीढ़ियाँ उसने चढ़ना है, 25 सीढ़ियाँ उसने चढ़ना है, और हर सीढ़ी के बीच का जो डिस्टेंस है वो 16 सेंटीमीटर है. इसलिए हम 25 और 16 को मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल हमारे पास उसका जो सेंटीमीटर में वैल्यू आएगी डिस्टेंस वो हो जाएगा 400. अब मीटर है, सेंटीमीटर है, उसको हमने कन्वर्ट कर देना है सिंपल मीटर में लेकर आना है, क्योंकि हमें ये सेंटीमीटर नहीं चाहिए, हमें डिस्टेंस जो है वो मीटर में रिक्वायर्ड है. तो 400 डिवाइडेड बाय 100 इक्वल टू 4 मीटर. टाइम उसको कितना लगेगा, 20 सेकंड्स चाहिए. पावर का फॉर्मूला आएगा कि वर्क डन विद रिस्पेक्ट टू दियर टाइम. सो टोटल जो वर्क है, वर्क हमारे पास किस चीज़ के इक्वल होता है, उसके मास के साथ में ग्रेविटी की वैल्यू और उसकी हाइट, यानी वो कितना ऊपर की तरफ जा रहा है, और डिवाइड हमने इसको करना है विद, उसका मास कितना है उस आदमी का, 50 केजी है, और ग्रेविटी की वैल्यू हमारे पास 10 है. उसके बाद हाइट, उसको वो कितना मीटर का हाइट कवर करता है, डिस्टेंस कवर करता है 4, डिवाइडेड बाय टाइम उसको कितना चाहिए, 20. तो जब हम इन दो सारी वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे, फॉर एग्जांपल 4 × 1 = 4, 4 × 5 = 20, फिर 5 × 5 = 5, 5 × 10 = 20, 10 × 10 = 100 वॉट. तो यहाँ पे उसको ऊपर जाने के लिए या स्टेयर्स के ऊपर 60 सेंटीमीटर का फासला कवर करने के लिए जो उसको पावर रिक्वायर्ड होगी वो 100 वॉट की पावर उसने यूज़ करनी है. साइम और आतिफ, क्लियर हुआ ये पॉइंट? यस टीचर. आतिफ? यस यस टीचर. अच्छा, इसमें से कोई चीज़ अगर पूछनी हो? नॉट टीचर. नो टीचर. चलिए ठीक, अभी मैंने तुम लोग को होमवर्क दिया है, क्या क्या होमवर्क है? दो क्वेश्चन, 6.4 का दो क्वेश्चन है टीचर. एक 6.4 है, क्वेश्चन भी है ना, 6.4 के दो पार्ट्स हैं, इसी तरह सेम 6.5 की भी दो पार्ट्स हैं. ठीक है, साइकिल वाला जो साइकिलिस्ट है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कैलकुलेट द पावर ऑफ अ पंप. हमने पंप की पावर को कैलकुलेट करना है, विच कैन लिफ्ट
कि जब हम उसमें से पानी उस पंप से पानी आता है हमारे पास, तो वो पानी का जो मास है वो 200 kg है, और वो जिसने उसको 10 seconds लगते हैं वहाँ तक आने के लिए, और उसका जो हाइट होगी यानी कितनी वो ज़मीन से ऊपर की तरफ जब पानी आता है उसका जो डिस्टेंस है वो 6 meters का है। हमने अब इस पावर पंप की पावर फाइंड आउट करनी है, यही फार्मूला यूज़ होगा। मास हमारे पास कितना है, 200 kg है, उसको जो हाइट है डिस्टेंस वो 6 meters का है, पावर है, सिंपल पावर की वैल्यूज फार्मूला लगा देंगे, वर्क डिवाइडेड बाय देयर टाइम। वर्क हमारे पास क्या है, एम जी एन एच, एम जो है मास हमारे पास 200 kg है, ग्रेविटी की वैल्यू 10 है, और वो हाइट कितना मीटर का फासला कवर कर रही है, वो 6 meters का फासला कवर करती है। टाइम जो उसको लग रहा है वो 10 seconds का टाइम है, तो यहाँ पे हमारे पास आ रहा है, तो 10 को हम कैंसिल कर देंगे, 200 मल्टीप्लाई बाय 6, 200 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे, 60020 वैसे ही आ जाएंगे, 6 × 12। तो टोटल इस पावर पंप जो हमारे पास वाटर पंप है उसकी पावर कितनी है, 1200 वॉट की उसकी पावर है। इसके बाद हमारे पास है इसका लास्ट क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रिक मोटर ऑफ 1 horsepower, ये H और P जो है ये भी पावर का स्मॉलेस्ट एक यूनिट है हमारे पास, ठीक है, हॉर्स पावर है, इज़ यूज टू रन अ वाटर पम्प, कि हमारे पास एक इलेक्ट्रिक मोटर है जिसकी पावर जो है वो कितनी है, वो 1 horsepower है, उसको हम लोग यूज़ करते हैं वाटर पम्प को रन करने के लिए, चलाने के लिए। वाटर पम्प जो है वो कितना टाइम ले रहा है, वो 10 minutes का टाइम लेता है किसी भी ओवरहेड टैंक को फिल करने के लिए या उसको भरने के लिए, जब वो उसको भरता है तो उसको 20 minutes लगते हैं। अब उस टैंक की जो कैपेसिटी है यानी वो कितने पानी को अपने अंदर रख सकता है, हम कितना पानी उसमें डाल सकते हैं, हम उसमें डाल सकते हैं जो उस टैंक की कैपेसिटी है वो 800 liters है, और उसकी हाइट जो है वो 15 meters है। हमने अब ये देखना है, कैलकुलेट करना है कि इस इलेक्ट्रिक मोटर, ये इलेक्ट्रिक मोटर जब इस टैंक को पानी से भरता है तो वो कितना टोटल वर्क डन करता है, और साथ में हमने इस सिस्टम की या इलेक्ट्रिक मोटर की एफिशिएंसी भी फाइंड आउट करनी है। ब्रैकेट में इन्होंने हमें वाटर की डेंसिटी दी है कि वाटर की जो डेंसिटी है वो किस चीज़ के इक्वल है, वो इक्वल है 1000 kg/m³। मास अगर हम 1 liter ऑफ वाटर का देखेंगे तो वो इक्वल होगा, अभी हमने ये फाइंड आउट करना है वाटर का मास। पावर हमारे पास कितनी है, पावर 1 kilo horse के इक्वल है। ये जो यूनिट है ये आप लोग के पास आपके बुक पर भी मौजूद है, ये मैं बता रही हूँ, देख लो आप लोग ये पेज। पेज नंबर 137 पे जहाँ पे ये पावर वाला वो दिया हुआ है, टॉपिक दिया है, इसमें आप लोगों के पास एक यूनिट इन्होंने लिखा है कि 1 horsepower जो है वो इक्वल होता है 746 watt के, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ इन्होंने पहले ही कहा है कि इलेक्ट्रिक मोटर जो है उसकी पावर 1 horsepower है, तो इसको हम लोगों ने सिंपल वॉट में चेंज करना है, तो 1 horsepower जो है वो उसकी वैल्यू हमें पता है 746 है, तो सिंपल हम यही वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं। टाइम जो उसको लग रहा है वो कितना है, वो 10 minutes उसको लग रहे हैं, तो मिनट्स को हमने चेंज करना है सेकंड्स में, 10 × कितने सेकंड्स होंगे हमारे पास, 60 seconds है, 10 × 60 = 600 seconds। कैपेसिटी कितनी है या उस टैंक का वॉल्यूम कितना है, वो 800 liters है और उसकी हाइट जो है वो 15 meters है। अब सबसे पहले हमने उसका वर्क डन निकालना है, इसकी एफिशिएंसी निकालनी है, तो वर्क डन हमारे पास जो पावर वाला फार्मूला है उसी को हम यूज़ करेंगे। पावर के फार्मूले से हमने क्या करना है, W की यानी वर्क की वर्क का फार्मूला डिराइव कर देना है, तो P इज इक्वल टू W/T। हमने W चाहिए तो ये जो T नीचे डिवाइड हो रहा है इसको हम बोथ साइड्स पे मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय T, तो यहाँ पे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा P के साथ, T और T यहाँ से ख़त्म, W सिंपल आ जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम। पावर हमारे पास 746 है और टाइम उसको कितना लग रहा है, 600, दोनों वैल्यूज को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल वर्क डन जो है वो हमारे पास ये आ जाएगा। सिंस द वर्क डन, जो टोटल वर्क डन किया है इस इलेक्ट्रिक मोटर ने इस टैंक को भरने के लिए वो इतना है,
सो इट इज रिक्वायर्ड, इट इज इक्वल टू द इनपुट. ये क्या है, इसके इनपुट के इक्वल है. उसके बाद अब हमने क्या करना है, ये तो था हमारे पास इनपुट, ठीक है, कि उसने कितना एक्चुअल में कितना वर्क डन उसने करना है, तो वो टोटल इतनी उसकी जो है वर्क डन आ जाएगा. अब हमने देखना है आउटपुट, यानी उसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है उसको अभी हमने देखना है कितनी है उसकी पोटेंशियल एनर्जी. एक लीटर है उसमें कितने जो वाटर का वो है डेंसिटी है या वाटर का मास है वो हमने देखना है, उसको अभी फाइंड आउट करना है. वन लीटर में कितने केजी होते हैं, सो वन लीटर इज इक्वल टू वन केजी. सो अब हम इसने सिर्फ यूनिट्स को उसको मास में लेकर आने के लिए हम लीटर को केजी में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो जितना एक लीटर है उतना ही वो एक केजी के इक्वल होगा. जब हमारे पास 800 लीटर है तो सिंपली 800 जो है वो 800 केजी में कन्वर्ट हो जाएंगे. पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास क्या है, वो सॉरी पोटेंशियल एनर्जी की मैं कंप्लीट करवा देती हूँ. अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला है उसमें हम वैल्यूज पुट कर देते हैं. मास मेरे पास आ गया 800 केजी, मल्टीप्लाई करना है स्मॉल ग्रेविटी की वैल्यू 10 है और वो जो उसकी हाइट है वो कितनी थी, ये हमारे पास आ गया उसका क्या पोटेंशियल एनर्जी आ गई है, ठीक है, 120,000 जाउल इसकी पोटेंशियल एनर्जी आ गई. हमने उसकी एफिशिएंसी फाइंड आउट करना है. एफिशिएंसी किसी भी सिस्टम के लिए जो फॉर्मूला होता है उसका जितना आउटपुट होगा उसको डिवाइड करना है इनपुट में. परसेंटेज में निकालेंगे तो मल्टीप्लाई कर देंगे हम उसको 100 के साथ, क्योंकि परसेंटेज जो है वो हम 100 के साथ ही वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देंगे. हमारे पास जो आउटपुट आया है ये जो उसकी पोटेंशियल एनर्जी है ये वैल्यू यहाँ लिख देंगे आउटपुट में, और इनपुट जो ये वर्क डन उसने किया है वो उसका इनपुट हो जाएगा. दोनों वैल्यूज को डिवाइड करने के बाद उसके आंसर को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 पे, तो ये वैल्यू इक्वल हो जाएगी 26.8%. यानी इस सिस्टम की, सिस्टम हमारे पास है क्या, इलेक्ट्रिक मोटर है, ठीक है, यानी वाटर पंप जो हमारे पास है इसकी जो टोटल एफिशिएंसी है इस सिस्टम की वो 26.8% उसकी एफिशिएंसी है. क्लियर? यस टीचर. यस टीचर. ठीक है, ये आप लोग अपनी डायरी नोट कर लो जो मैंने अभी होमवर्क दिया है. ये है मेरे पास कौन सा है 6.5 न्यूमेरिकल. न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है ये, आप लोगों ने मुझे आज सबमिट करवाना है, ठीक है? यस टीचर. यस टीचर. नोट कर लिया? यस टीचर. चले ओके, ठीक है, तो फिर इंशाल्लाह कल मैं आप लोगों का टेस्ट लूंगी, तो टेस्ट के लिए प्रिपेयर हो.